जैन दोस्तों, मैं अमर ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद। हरियाणवी संस्कृति लुप्त प्राय हो चला हरियाणा का लोक उत्सव सांझी शरद नवरात्रों के साथ साथ चलने वाला एक प्राचीन पर्व है। सांझी पर्व आसोज माह की अमावस्या से शुरू होकर विजयदशमी तक चलता है। इसमें महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी से बनाए सितारों की मदद से सांझी देवी की आकृति बनाते हैं और उसके साथ इसका एक छोटा भाई भी बनाती है। सांझी बनकर तैयार होने पर महिलाएं हर रोज सूर्यास्त के बाद इकट्ठी होकर सांझी की आकृति के पास सांस्कृतिक लोक गीत गाकर अविवाहित युवतियों को विवाह के उपरांत अपनी ससुराल में सबसे मिलजुल कर सुखी जीवन यापन करने की शिक्षा देती है। चार दिन बाद सांझी का भाई उसे लेने जाता है तो उसके परिजन विशेष कर देवर उसे मायके न जाकर घर पर रहने का अनुरोध करते हैं। और जब दशहरे के संध्या में महिलाएं गीत गाते हुई सांझी को एक मटके में जलते दीपक के साथ रखकर तालाब में उसके मायके जाने के लिए छोड़ती हैं, तो उनके देवर सांझी से मायके न जाने का अनुरोध करते हुए उस मटकी को तोड़ देते हैं और कहते अभी यह ससुराल ही आपका घर है, यहाँ पर आप सुख और आनंद में जीवन जीते हुए यही निवास करो। कुछ समय से हमारी नई पीढ़ी अपनी पुरानी परंपराओं, संस्कृति और त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और हरियाणा लोक कला संघ रोहतक ने रोहतक जींद बाईपास पर आंडी हरियाणा स्टूडियो में राज्य स्तरीय सांझी उत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें 1,25,000 के इनाम रखे गए। प्रथम स्थान आने वाली प्रतिभागी को 51,000, द्वितीय स्थान पर आने वाली प्रतिभागी को 1,000, तृतीय स्थान पर आने वाली को 21,000 रुपए और दो सांत्वना पुरस्कार 11,000 से 11,000 रुपए के रखे गए। दूसरे जिलों के ग्रामीण अंचल से महिलाएं और युवतियां इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। हरियाणा की विरासत को संजोग कर रखने वाले भाई रघुविंद्र मलिक ने यहां पर प्राचीन घरेलू और कृषि के सामान की एक प्रदर्शनी भी लगाई है जो लोगों को खूब भा रही है। हरियाणवी महिला लोक गायक गुड्डी ने 20 अक्टूबर शुक्रवार को यहां पहुंचकर पुराने समय के मधुर गीत सुनाकर सबको झूम के लिए मजबूर किया कर दिया। इस उत्सव को लोक कलाकार राघवेंद्र मलिक और हरविंदर मलिक अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति की प्रतीक सांझी पर्व, महिलाएं गीत गाती हुई सांझी बनाती हुई ये पूरी दीवार पर आप देखिए सांझियां बनाई हुई हैं। सांझी हमारी पुरानी संस्कृति की प्रतीक हैं। इसमें महिलाएं युवतियों को, खासकर जो अविवाहित युवतियां होती थी, उनको इसके माध्यम से अपने घर पर बसाने और अपने घर पर ससुराल में रहने की अच्छी सीख देती थी। नमस्ते बेबे, ये गुड़िया सांझी बना रही हैं। गुड़िया ये किस लिए बना रहे हो बेटा, क्या इससे शिक्षा मिलती है हमारे को? ये माता रानी की होती है। हाँ जी, आप बताओ ना जी, बताओ इनको ये किस लिए बनाई जाती है सांझी? हाँ जी, अपना नाम बताओ। राजवंती। हाँ जी बताओ, सांझी किस लिए बना करके ये क्या हम अपने बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा देते हैं? या अपने बच्चों के लिए शिक्षा देवा भी सांझी लोग।
आज के माध्यम से हम अपने बच्चों को बेटियों को खास कर बेटियों को शिक्षा देते हैं कि बेटी अपनी ससुराल में जा करके वो उसको अपना घर मानना है। ये सांझी पर्व जिस पर हरियाणा स्तर की ये सांझी प्रतियोगिता चल रही है, इसमें अलग अलग जिलों से अलग अलग गांव से आकर के यहाँ बेटियाँ जो है सांझी तैयार कर रही हैं। ये बेटी ने सांझी एक तैयार की है, आप देखिए। इधर आओ बेटा, इधर। आपका क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा, ये आपने जो सांझी बनाई है ये किस चीज का प्रतीक है? ये माँ दुर्गा का प्रतीक। हाँ, और ये जो सांझी है इसके माध्यम से हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो क्या शिक्षा देती थी बेटियों को? बेटियों को यही शिक्षा देती थी कि माँ दुर्गा की पूजा करें। हाँ, साथ में ये भी बताती थी कि जब आप आपकी शादी होके ससुराल में जाती हो तो ससुराल ही आपका घर होगा और अपने वहाँ पर सास ससुर और सबके परिवार की मान सम्मान के साथ में आपको वहाँ रहना है। आपने ये जो सांझी बनानी शुरू की है, आपका क्या नाम है जी? तनुजा नाम है सर। तनुजा, कौन से गांव से हो? बालोट से। बालोट से हो। आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, इसमें हिस्सा लेने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने कल्चर को आगे बढ़ाना। अच्छा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, इसको अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, नॉलेज दे रहे हैं इनको कि ये चीजें हमारे समाज में हैगी। बहुत बढ़िया। ये एक और बेटी जो है सांझी तैयार कर रही है, आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि, जो ये आप सांझी बना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना। हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। भाई, अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।